क्या आप जानते हैं कि जब युद्ध की बात आती है तो सिर्फ जंग के मैदान पर लड़े गए युद्ध ही निर्णायक नहीं होते। आज की दुनिया में समुद्र, आकाश और तकनीक के जरिए युद्ध की धारा को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि हम अमेरिका के यूएसएस कार्नी जैसे ताकतवर युद्धपोत की बात कर रहे हैं, जो न केवल युद्ध के मैदान पर बल्कि पूरे ग्लोबल सैन्य रणनीति में अपनी अहम भूमिका निभाता है। क्या यह सिर्फ एक समुद्री जहाज है या यह दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के ताकतवर हाथों का एक अहम हिस्सा है? आज हम बात करेंगे यूएसएस कार्नी के बारे में, जो न केवल तकनीकी दृष्टि से एक चमत्कारी जहाज है, बल्कि इसके द्वारा किए गए कुछ ऐसे साहसी और रणनीतिक हमलों के बारे में जिन्होंने इस्पात की तरह कठोर दुश्मन को भी ध्वस्त कर दिया। 2023 में इस जहाज ने हाउती विद्रोहियों द्वारा इसराइल पर की गई मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया, और इसने एक बार फिर साबित कर दिया कि समुद्र में अमेरिकी शक्ति की कोई बराबरी नहीं। इस वीडियो में हम न सिर्फ यूएसएस कार्नी की ताकत और अद्भुत क्षमताओं की चर्चा करेंगे, बल्कि आपको यह भी बताएंगे कि अमेरिका के समुद्र में राज करने वाले ये युद्धपोत कैसे वैश्विक राजनीति, युद्ध रणनीतियों और रक्षा तकनीकों को पूरी तरह बदलने का काम कर रहे हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि जूम वॉल्ट क्लास जैसे उन्नत युद्धपोत किस तरह भविष्य की रक्षा नीतियों को आकार दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूएसएस कार्नी, एक शानदार समुद्री ताकत। यूएसएस कार्नी का परिचय। यूएसएस कार्नी DDG-64 एक आर्ली बर्क क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जो 1996 में अमेरिकी नौसेना यूएस नेवी में शामिल हुआ। ये जहाज एक असाधारण मिसाइल रक्षा और सामरिक युद्ध प्रणाली से लैस है। इसे यूएसएस कार्नी का नाम अमेरिकी नेवी के एडमिरल रॉबर्ट कार्नी के नाम पर रखा गया था, जो एक सम्मानित नौसैनिक अधिकारी थे और आइजनहावर प्रशासन के दौरान चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस CNO के रूप में कार्यरत रहे थे। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मुख्य ताकतें और विशेषताएं। प्रोपल्शन सिस्टम। यह जहाज 4 जनरल इलेक्ट्रिक LM-2500 गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित होता है। अधिकतम गति 30 नॉट्स, जो लगभग 56 किमी घंटा के बराबर है। रेंज, यह जहाज 5000 मील तक यात्रा कर सकता है, जिससे यह विशाल समुद्रों में भी लंबे समय तक ऑपरेशन करने में सक्षम है। आर्मर। यूएसएस कार्नी का पूरा ढांचा स्टील से निर्मित है, जो इसे दुश्मन के हमलों से सुरक्षित रखने में सहायक है। यह जहाज विशेष टॉपसाइड आर्मर से भी सुसज्जित है, जिससे इसकी महत्वपूर्ण प्रणाली और मशीनरी को बचाया जा सकता है। रडार और सोनार सिस्टम से बचने के लिए इसकी डिजाइन न्यूनतम सिग्नेचर वाली है, जिससे दुश्मन इसे पहचानने में कठिनाई महसूस करता है। आर्मामेंट 170mm Mark 45 लाइटवेट गन। यह गन दुश्मन के जहाजों और जमीन पर स्थित टारगेट को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। SM-2 सरफेस टू एयर मिसाइल्स। यह मिसाइल हवाई हमलों को नाकाम करने में सक्षम है, खासकर मिसाइलों और ड्रोन से निपटने के लिए। टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स। ये मिसाइलें जमीन पर सटीक हमला करने के लिए डिजाइन की गई है और इनका उपयोग रणनीतिक हमलों में किया जाता है। हेलीकॉप्टर संचालन और बचाव मिशनों के लिए भी इस जहाज में सुविधा है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। यूएसएस कार्नी अपने उच्च तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से दुश्मन के मिसाइलों को गुमराह करने और रडार सिस्टम को जाम करने में सक्षम है, जिससे यह युद्ध के दौरान दुश्मन के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। यूएसएस कार्नी की ताकत का प्रदर्शन। 19 ड्रोन और 4 मिसाइलों का नष्ट करना हमले का परिप्रेक्ष्य। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अटैक। 19 अक्टूबर 2023 को यूएसएस कार्नी ने हाउती विद्रोहियों द्वारा किए गए हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। इन हमलों में 19 ड्रोन और 4 लैंड अटैक मिसाइलें शामिल थीं, जिन्हें यमन से इसराइल की दिशा में दागा गया था। यह हमला इसराइल के साथ अमेरिका की बढ़ती सैन्य साझेदारी और युद्ध समर्थन पर प्रतिक्रिया के रूप में किया गया था। हमले की प्रतिक्रिया। यूएसएस कार्नी ने 9 घंटे की लंबी और कठिन लड़ाई के बाद सभी मिसाइलों और ड्रोन को नष्ट कर दिया, बिना अपने आप पर कोई बड़ा नुकसान उठाए। इसके लिए जहाज ने अपनी पूरी ताकत, तकनीकी साधन और युद्धक रणनीतियों का इस्तेमाल किया। कैसे किया गया यह? SM-2 सरफेस टू एयर मिसाइल्स। इन मिसाइलों की रेंज लगभग 105 मील तक होती है और यह हवाई खतरे को खत्म करने में
पूरी तरह सक्षम है। फ्लैग गन्स और मशीन गन्स, छोटे और तेज गति वाले ड्रोन को निशाना बनाने के लिए ये गन्स इस्तेमाल की जाती हैं। रडार सिस्टम, यूएसएस कार्नी का अत्याधुनिक रडार सिस्टम इन सभी खतरों को पहले ही पहचान लेता है और समय रहते उन्हें नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसराइल हमास वॉर, अमेरिका का दखल क्यों जरूरी हुआ? 1. समुद्री ताकत की आवश्यकता। इसराइल का वायुसेना और थल सेना विश्व स्तरीय है, लेकिन उसकी नेवी उतनी ताकतवर नहीं है। इसराइल के समुद्री इलाकों को सुरक्षित रखने के लिए यूएसएस कार्नी जैसे युद्धपोतों की तैनाती बेहद अहम हो जाती है। ऐसे युद्धपोत किसी भी समुद्री हमले को रोकने में सक्षम होते हैं और यूएसएस जेरल्ड फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जैसी शक्तिशाली एस्कॉर्टों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। 2. हाउती विद्रोहियों का हमला। ये विद्रोही समुद्र के रास्ते से मिसाइलें और ड्रोन भेजते हैं, जिससे इसराइल और उसके सहयोगियों के लिए एक नया खतरा उत्पन्न होता है। 3. यूएसएस जेरल्ड फोर्ड की सुरक्षा। यूएसएस जेरल्ड फोर्ड जैसे सुपर कैरियर और उनके एस्कॉर्ट जहाजों की तैनाती इसराइल और अन्य अमेरिकी सहयोगियों के लिए समुद्र में सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू बन चुकी है। इन जहाजों ने यह साबित कर दिया कि वे सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि असल युद्धों में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। ज़ुमवाल्ट क्लास, यूएसएस कार्नी का बड़ा भाई ज़ुमवाल्ट क्लास डिस्ट्रॉयर्स, भविष्य का युद्धपोत ज़ुमवाल्ट क्लास डिस्ट्रॉयर्स, जो यूएसएस कार्नी से कहीं अधिक सक्षम हैं, भविष्य के समुद्री युद्धों के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह जहाज आर्ली बर्क क्लास डिस्ट्रॉयर से 40% बड़े होते हैं और इनका रडार सिग्नेचर इतना कम है कि वे रडार पर मछली पकड़ने वाली नाव जैसे दिखाई देते हैं। अमेरिका का समुद्रों पर राज यूएसएस कार्नी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि समुद्र में अमेरिकी शक्ति के सामने कोई भी दुश्मन टिक नहीं सकता। टेक्नोलॉजी और रणनीति का सही मिश्रण इसे युद्धों में जीत दिलाता है और इससे यह भी साफ होता है कि भविष्य में समुद्री युद्ध में अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि अमेरिका के समुद्री ताकतवर जहाज जैसे यूएसएस कार्नी कैसे युद्ध के दौरान अपनी रणनीतिक अहमियत साबित कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि भविष्य में समुद्रों पर अमेरिका का राज और भी बढ़ेगा? क्या ज़ुमवाल्ट क्लास जैसे जहाज आने वाले युद्धों में निर्णायक भूमिका निभाएंगे? आप अपनी राय हमसे कमेंट में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।